Munna bhai. अरे मुन्ना, यहाँ कोई ढंग से बैठने की जगह ही नहीं है। हाँ यार सर्किट, देख यहाँ पे चारों तरफ कूड़ा ही फैला हुआ है। अरे मुन्ना देख, यहाँ जगह साफ, बैठ। मुन्ना नाश्ता तो निकाल। अरे सर्किट, तू ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है? तूने क्यों यहाँ पे कचरा डाल दिया? देख यहाँ पे भी कचरा फैला हुआ है, यहाँ पे भी कचरा फैला हुआ है, और देख वैसे भी वो लड़की कचरा उठा रही है। तेरे पास जो कचरा है वो तू उधर डाल दे। अरे मुन्ना, तेरे हाथ ऐसे क्यों रुक गए? और तू उधर घूर घूर कर क्या देख रहा था? अरे सर्किट, तुझे वहाँ पे गांधी जी नहीं दिख रहे हैं? देख वो हमारे पास आ रहे हैं। देख क्या मुन्ना, तू भी, तुझे तो हर जगह पे गांधी जी नजर आते हैं। मुन्ना सर्किट, मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली है। सर्किट, तुम कहते हो कि इतना कचरा फैला है, उसमें एक और कागज डाल दिया तो क्या फर्क पड़ता है? अगर सभी लोग ऐसा ही सोचेंगे तो इस बात का हल नहीं निकलेगा। आप लोगों को यहाँ देखने वाला कोई नहीं है, लेकिन आपकी आत्मा आपको हमेशा देखती है। बापू हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। जी बापू, हमें भी माफ कर दीजिए, हमसे भी गलती हो गई। आप जैसे लोग जहाँ तहाँ कचरा फैलाते रहते हैं और कचरा उठाने वाले लोगों को आपका कचरा उठाना पड़ता है, क्या ये लोग सिर्फ हमारा कचरा उठाने के लिए ही है? आखिर वो भी तो एक इंसान है। आप लोगों को ऐसा सोचना चाहिए कि हम जहाँ तहाँ कचरा नहीं फेंकेंगे और सिर्फ और दूसरे लोगों को भी कचरा फेंकने से रोकेंगे। जी बापू, अब हम वैसा ही करेंगे और अब हम इधर उधर कचरा नहीं डालेंगे, सिर्फ खदान में ही कचरा डालेंगे। जी बापू, मैं भी सबको रोकूंगा यहाँ वहाँ कचरा डालने से, और इस बात की शुरुआत हम अभी से ही करेंगे। कल करें तो आज कर, आज करें तो अब। इस छोटी सी नाटिका के द्वारा हम दर्शाना चाहते हैं कि पूरे भारत को स्वच्छ करने के लिए हमें शुरुआत अपने आप से, अपने घर से करनी होगी। सिर्फ नगर पालिकाओं पर दोषारोपण करने से कुछ नहीं होने वाला और हमें अपने आसपास के जगहों की सफाई खुद रखनी होगी। स्वच्छ भारत का आप सपना देख रहे हैं तो कोई अकेला व्यक्ति पूरे भारत को स्वच्छ नहीं कर सकता, और ख्याली पुलाव बनाने से सफाई हो जाएगी। इसके लिए सबको साथ मिलकर चलना होगा, सबको अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाना होगा, तभी स्वच्छ भारत का सपना पूरा हो पाएगा। तो आइए हम सब आज बापू के पास प्रण लेते हैं कि
ना ही तो कचरा फैलाएंगे और ना ही तो फेंकने देंगे। जय हिंद स्वच्छ भारत।